हाय, माई सेल्फ डॉक्टर इंद्रदेव पटेल। आज मैं स्लीप डिसऑर्डर के बारे में बात करूँगा। मेनली उनके लिए बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे जैसे प्रिपरेशन करते हैं, वो क्या करते हैं, रात में जागना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी नींद कम कर लेते हैं, मतलब सोना कम करके पढ़ाई ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो उनके ये बताना चाहूँगा कि सोना कम करने से उनको नुकसान ही होने लगता है, उल्टा पढ़ाई ज़्यादा करने से कोई मतलब नहीं रह जाता। वो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप स्लीप वेव साइकिल पढ़ेंगे, मतलब स्लीप डिसऑर्डर पढ़ेंगे, स्लीप साइकिल पढ़ेंगे, तब आपको रियली नॉलेज होगा कि सोना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे ज़्यादा सो लो एज़ कम्पेयर टू पढ़ाई 1 घंटे कम करके, और इसका उल्टा करोगे तो उल्टा हो जाएगा। हाँ, तो मेनली क्या होता है कि स्लीप वेव साइकिल में कि 3-4 वेव होती हैं, अल्फा बीटा थीटा, ये सब आपके काम जानने की बात नहीं है, इसलिए मैं जल्दी बोल के निकल लेता हूँ। तो ये सब आपके जानने की बात नहीं है। आप मेनली ये ध्यान रखिए कि जो स्लीप वेव साइकिल होते हैं, मेनली 2 फेज होते हैं, NREM फेज, नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज होता है, और रैपिड आई मूवमेंट फेज, REM फेज होता है। तो जब आप सोते हैं तो सोने में जो मेनली 8 घंटे अगर आप स्लीप ले रहे हैं, तो 6 से 6.5 घंटा तुम्हारा NREM फेज होता है, 1.5 घंटे मेनली REM फेज होता है। REM फेज के ऊपर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि यही REM फेज ऐसा फेज होता है जिसमें तुम्हारी माइंड की, मतलब जो तुम लर्न किए रहते हो, सारे मेमोरी का इसमें प्रोसेस होकर परमानेंट मेमोरी में जाता है। तो जितने सब तुम पढ़े रहते हो, जब सोते हो तो उसका प्रोसेस होकर परमानेंट मेमोरी में जाता है। फिर जब तुम एग्ज़ाम देते हो तो तुम रिकॉल करके उसको अच्छे से फिर एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हो। लेकिन अगर तुम सोना कम कर दिए तो वो परमानेंट मेमोरी में जाएगा ही नहीं, तो टेम्पोरी चीज़ रहेगा। आज पढ़ोगे, कल याद रहेगा, परसों फिर भूल जाओगे, एग्जाम में घंटा 0 नंबर आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो अगर तुम सोने गए 8 घंटे अगर सो रहे हो, तो उसमें 6 से 6.5 घंटे NREM फेज होता है, 1.5 घंटे सिर्फ मेन वाले काम होता है, मेन वाली फेज होती है REM फेज। तो वो तो बात ही सही है कि जो काम अच्छे हो तो कम ही टाइम तक कर पाओगे, ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। हाँ, अब REM फेज जैसे तुम सोने गए, तो REM फेज क्या होता है, 90 to 100 मिनट बाद आता है, मतलब 1.5 से 2 घंटे बाद आएगा। हाँ, 1.5 से 2 घंटे बाद जब आएगा तो रात भर में बस खाली 4-5 बार तुमको आता है, मतलब तुम्हारी सारी जितने तुम दिन भर में पढ़े रहते हो, सिर्फ 4-5 बार प्रोसेसिंग हो पाती है। हाँ, और एक बात और, ये जो तुम्हारी NREM फेज होती है, ये जब तुम सोने जाते हो ना, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा यही NREM फेज में भी तुम्हारे स्टेज होते हैं, स्टेज 1 2 3 4। तो जो 4 वाला होता है वो ज़्यादा होता है, और जब तुम उठने लगते हो तो उस टाइम 1/3, जैसे तुम उठने के टाइम से जो ड्यूरेशन होगा, 1/3 में तुम्हारा यही REM फेज कंपोज करता है। मतलब जब तुम उठने वाले होते हो उसी टाइम ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है, और उठने में अगर तुम ऐसा कर दे रहे हो, पहले उठ जा रहे हो, तो प्रोसेसिंग ही नहीं हुआ, किस बात का परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी क्रिएट ही नहीं हुआ, तो तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा लॉन्ग ड्यूरेशन तक, तो बस खाली 60 मेमोरी रहेगी। इसलिए सोना ज़्यादा चाहिए। जो लोग ज़्यादा देखते हो, बहुत लोग कम पढ़ते हैं लेकिन ज़्यादा सोते हैं, दिन भर सोते रहते हैं फिर भी अच्छा स्कोर करते हैं, इसलिए कि वो जितने पढ़े रहते हैं ना, उनका अच्छे से प्रोसेसिंग हो जाती है, अच्छे से वो परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। अब तुम सोच रहे हो कि REM फेज, मतलब REM फेज के बारे में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ, तुम्हारा REM फेज जो होता है यही वेरिएबल होता है, NREM फेज तो कांस्टेंट होगा, तुम चाहे जितना भी सो उसमें 6 से 6.5 घंटे तुम्हारा NREM फेज होगा। अगर तुम मेनली कम कर किसको करते हो, तो कम तुम REM फेज को करते हो, मतलब पहले REM फेज कम होगा, फिर अगर वो, मतलब ऐसा नहीं कि 3 घंटे सो रहे हो तो सबका सब, मतलब कि वो है, तो 3 घंटे अगर तुम सो रहे हो तो उसमें से तुम्हारा NREM फेज ही होगा, REM फेज नहीं होगा, मुश्किल से वही होगा, क्योंकि वो लगभग 90 to 100 मिनट बाद आता ही है। हाँ, तो माइंड की जो प्रोसेसिंग होती है इसी में होती है। अगर तुम सोना कम कर रहे हो तो REM फेज कम कर रहे हो, REM फेज अगर कम कर रहे हो तो प्रोसेसिंग माइंड की अपनी कम कर रहे हो, तो परमानेंट मेमोरी तुम्हारी कम बनेगी, तुमको कम याद रहेगा, नंबर कम आएंगे, कोई मतलब नहीं है ऐसी पढ़ाई और ऐसे सोने का। इसलिए कम से कम 8 घंटे, 7-8 घंटे तो सो ही लो। हाँ, तुमको अगर लग रही है कि पढ़ाई तुम्हारी कम हो रही है, तो पढ़ाई भाई बस बढ़ा लो, मतलब कि एक पर्टिकुलर वे में जिधर पढ़ाई करनी वही करो, फालतू फालतू चीज़ पढ़ना बंद करो। अब क्या होता है, REM फेज में एक और चीज़, ये REM फेज में एक और चीज़ होती है, तुम्हारा जो मसल टोन की एक्टिविटी होती है, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा ऑकुलर जो मसल होते हैं, मतलब आँख वाली जो मूवमेंट होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा था रैपिड आई मूवमेंट, इसमें सिर्फ आँख वाली जो मसल होती है उनकी ये मसल टोन ज़्यादा होती है, बाकी सब सारी मसल जो होती हैं उनकी एक्टिविटी कम होती है। इसलिए तुम अगर कोई पर्सन सो रहा है तो REM फेज में जब उसको जगाओगे ना, तो उसका वो पैरालिसिस जैसा, उसका मतलब हाथ पांव उसका काम नहीं करेगा। बट ध्यान रखना, इसमें माइंड की प्रोसेसिंग हो रही है, तो ब्रेन की एक्टिविटी इसमें सबसे ज़्यादा होती है इसमें। हाँ, REM फेज में ब्रेन की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करेगा, तो ब्रेन सबसे ज़्यादा ATP भी यूज करता है, और इसी में तुम्हारा रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, BP ये सब बढ़ा रहता है। और इसी फेज में एक चीज़ ध्यान रखना, पेनाइल इरेक्शन होता है। अब इसको ऐसे ध्यान रखना कि REM फेज क्यों कम होता है ना, 1.5 घंटे होता है बस, इतना इसको ऐसे याद रख लेना कि पेनिस ज़्यादा देर तक रिएक्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए तुम्हारा इसका घंटा कितना, 1.5 घंटे तक ये उस खाली इसका फेज का ड्यूरेशन होता है। और एक और चीज़ लास्ट में बता रहा हूँ कि जो जैसे हम लोग सपना देखते हैं, तो इसमें ड्रीम्स याद रहते हैं, इसमें ड्रीम्स इसलिए याद रखते हैं कि तुम्हारी ब्रेन की एक्टिविटी इसमें ज़्यादा होती है। हाँ, ज़्यादा ATP कंज्यूम करती है, इसलिए जो देखते हैं हम ड्रीम इस फेज में, REM फेज में, वो हमको याद रहता है। तो REM फेज में माइंड की प्रोसेसिंग होगी, REM फेज वाले ड्रीम याद रहेंगे, REM फेज में तुम्हारा पेनाइल इरेक्शन और फिर रेस्पिरेटरी रेट, BP सब बढ़ा होता है, सारे मसल टोन डिक्रीज होते हैं, पैरालिसिस जैसा आपको फील होगा, और फिर इसके बाद सिर्फ, लेकिन एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल का तुम्हारा, तो उसकी
मसल टोन बढ़ी रहेगी, इसलिए इसका नाम रैपिड आई मूवमेंट फेज रखा गया है। फाइनली भाई जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से यही कहूँगा, नींद के साथ छेड़छाड़ ना करो, ना वो तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करेगी तो कहीं के नहीं रहोगे। जैसे तुम सुने होगे वो बहुत पढ़ रहे थे तो फिर इसके बाद उनको दिमाग से पागल हो गए, कुछ नहीं हो, तो यही तुम्हारी भी स्थिति हो जाएगी। तो ज़्यादा पढ़ना सही नहीं है, पढ़ो उतना जितना हो काम हो जाए। हाँ एग्जाम क्वालीफाई करने के लिए पढ़ो तो वही चीज़ पढ़ो जिससे एग्जाम क्वालीफाई। फालतू तुम्हारा ज्ञान थोड़ी कोई चेक करने आता, किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है वो आए तुम्हारा ज्ञान चेक करे, तो पढ़ो वही जो पूछा जा रहा है, फालतू चीज़ मत पढ़ो। हाँ वरना वही ज़्यादा पढ़ने चक्कर में जाओगे तो फिर वही उन्हें पागलों की तरह टहलोगे, फिर साइकेट्री में आओगे दिखाने।